तो यहाँ पे ये देखो दो नदियों का संगम हो रहा है। एक इधर से ये लाल रेड कलर की नदी आ रही है और सामने से वो देखो मटमैले से रंग की नदी आ रही है और इन दोनों का संगम हो रहा है। इसको शायद बाकी यहाँ से ये दोनों नदियाँ मिलके एक होके बहती है ना। वहाँ देखो दोनों मिक्स हो रहे हैं। तो जो जंस्कार वाला जो संगम था वहाँ पे जाने के लिए जो रास्ता था हम उसमें मुड़ गए हैं और अभी आपको पास से दिखा के लेके आते हैं कि कौन कौन सी वो रिवर है और संगम क्या है। कौन कौन सी रिवर है ये? कितना मस्त व्यू लग रहा है यार, एक नंबर। सारे बाइकों को लाइन खराब कर दिया है यहाँ पे। और अब यहाँ पे जो है संगम कैफे है, इसमें कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। तो चाय की जगह यहाँ पे अभी कावा ट्राई करके देखेंगे। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। ओके, तो यहाँ संगम पे रुक के ब्रेकफास्ट या लंच जो भी कीजिए छोटा मोटा कुछ खाया है। और अभी बारिश आ रही है यहाँ पे और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं सीधा, शायद अब कारगिल ही टेकेंगे। तो ये बताया था ये सिंधु है, इधर इंदस है और फिर दोनों मिलके इंदस ही बन जाती है। वॉट एवर, चलो निकलते हैं। तो अभी हम जो राइड कर रहे हैं वो कर रहे हैं नेशनल हाईवे नंबर 1 में। तो NH 8 पर हमारी राइड हो रही है इस समय। तो भाई साहब ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है क्योंकि हम नंबर 1, जो देश का नंबर 1 हाईवे है, मतलब वैसे NH नेशनल हाईवेज में, उस पर राइड कर रहे हैं इस समय। ओके, अभी वहाँ पे आप मौसम देख सकते हो भाई साहब, कितना शानदार नज़ारा हो रखा है। पूरा घाटी के अंदर बादल ही बादल जमा हो रखे हैं वहाँ पे। शानदार मौसम देखो, कितना शानदार हो रखा है। मतलब हमने हर मौसम में और हर तरह की रोड पे, हर तरह के टेरेन में गाड़ी चला ली। दिस इज द लद्दाख ट्रिप, ये है लद्दाख। और अब हवा इतनी ठंडी है कि मैंने लाइनर वगैरह सब लगा रखे हैं तो भी मेरे को ठंडी ठंडी हवा लग रही है इसमें से। टेम्परेचर देखो अभी 20 शो कर रहा है यहाँ पे बाइक का भी। और टाइम हो गया है 11 बजे हैं अभी तो, और 11 बजने के साथ ही ट्रक है, ट्रक। यहाँ से कोई सांस पोल करके नाम की जगह आ रही है, सांस पोल जो भी है। और फुल थ्रोटल देने के बाद भी 80 से ऊपर बाइक नहीं जा रही है। मीन्स ऑक्सीजन तो थोड़ी कम है ही इस इलाके में। एक नंबर भाई, एक नंबर। देखो भाई क्या पहाड़ काट के बीच में से रोड निकाली हुई है, ऐसे खच खच बीच में से रोड, और इसके बीच में से गुजरते हुए इट्स एम कुमार। और लेफ्ट में नदी, बारिश का मौसम, फुल बारिश। श्रीनगर 365 किलोमीटर है यहाँ से अभी। का बहुत तेज सा लग रहा है, लगता है इस जम्मू एरिया में सही में जैसे अब इसके अंदर एंटर कर रहे हैं धीरे धीरे। तो बारिश थोड़ी सी बढ़ी रही है, कंटिन्यूस बारिश आ ही रही है जब से। और पानी का फ्लो भी यार यहाँ अच्छा खासा है। ऊपर थे वहाँ पानी इतना नहीं था, मतलब थोड़ा कम था, नीचे आके तो पानी और ज़्यादा हो गया यार। 12 बज चुके हैं और हम लोगों ने 107 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम ये जो दो पहाड़ हैं, इन दो पहाड़ के बीच बनी हुई रोड, ये घाटी और बगल में नदी है,
मतलब ये दोनों पहाड़ इतने पास पास आ गए हैं, मतलब ये भी एक अजीब सा अलग सा अनुभव है। शानदार। वाह क्या जगह है यार, एक नंबर। और वो जो ग्रीन ग्रीन पेड़ दिख रहे हैं वो अलग ही एलिमेंट जोड़ रहे हैं इस सीन में। शानदार। तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट में अजीबोगरीब ही जगह आ गई, समझ में नहीं आ रहा पहाड़ों के बीच ये मिट्टी के पहाड़ कहाँ से आ गए। धूप आ रही है जैसे। हाँ यार यहाँ हो तो बादल रखे हैं, इधर ये अलग है और इस साइड देखते हैं जैसे लगता है धूप से आ रही है। तो इस जगह का नाम मून लैंड बता रहे हैं। वहाँ पहाड़ों के बीच में भी क्या क्या है यार। ओके अभी हम वहाँ वो जो लामा यू मोनेस्ट्री है वहाँ जा रहे हैं। ये भी अभी पीछे से आ रहे हैं। ऐसे लगा तुम लोग तो कारगिल पहुँच गए होंगे। नहीं हम ऑफ रोडिंग आए थे। बाकी कहाँ है? हा? बाकी कहाँ है? बाकी आ रहे हैं। वो बहुत अच्छा लगा ये देखो, ये माउंटेन्स के अंदर अंदर में घर कैसे बनाए। हाँ पहाड़ के अंदर अंदर घर और गुफाएं बनी हुई हैं। चल ले तू बच्चों को तो दो पहले। सही मौसम हो रखा है यार, बादल ही बादल। थोड़ा सा टाइम होता था यहाँ पे टाइम लैप्स लेते। वाओ तो अभी 127 किलोमीटर हो गए हैं और 1:20 ऑलरेडी हो चुके हैं। और टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर यहाँ पे चल रहा है अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठंडी तो लग रही है यार, ठंडी लगने लग गई है अब जैसे जैसे हम कारगिल के पास जा रहे हैं। यहाँ पे ये दूरदर्शन का फटुला टॉप है, मतलब फटुला टॉप है जहाँ पे दूरदर्शन का शायद एंटीना लगा हुआ है और लिखा है प्रसार भारती दूरदर्शन चलचित्र। ओके दिस इज फटुला टॉप, हाइट है इसकी 13,479 और हाईएस्ट पॉइंट इन द हाईएस्ट पॉइंट द श्रीनगर लेह रोड। वाह और यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे भी देखो दूरदर्शन ने यहाँ पे मतलब दूरदर्शन का जो है कैमरा लगा हुआ है, मतलब कैमरा क्या दूरदर्शन ने की डिश यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। काफ़ी अल्टीमेट यार, यहाँ का स्लो मोशन तो बनता है भाई।
तो यहाँ पे रास्ते में आता है ये जो है जब्यूल द इनविजिबल प्लेस, और यहाँ से इसका रास्ता शायद अभी बन रहा है, पूरा रास्ता नहीं है इसका। दिस इज़ वेयर आई बिगेन। तो इसका पूरा रास्ता अभी तक बना नहीं है। यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स गए हैं आगे तक जाके, लेकिन वापस आ जाते हैं। वेलकम टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल। तो हम इस तरह से कारगिल की बॉर्डर में प्रवेश कर रहे हैं, और टाइम हो गया है 2 बज गए ऑलमोस्ट, और 144 किलोमीटर हो गए हैं, और कारगिल अभी भी शायद 76-77 किलोमीटर आसपास और है। ये क्या है, ये क्या है, वाओ, देखा, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक चेक पोस्ट आई थी जहाँ पर कि पुलिस चेक पोस्ट थी, जहाँ पर कि एंट्री करवानी पड़ी हमें हमारी बाइक्स की, फ़ोन नंबर की, कांटेक्ट की, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ को जा रहे हैं, वो सारी, और साथ में यहाँ पे जो आपकी कोविड रिपोर्ट थी वो भी वापस से जांच करी गई। ओके, तो हम लोगों ने कर लिया है यहाँ पर नमकीला टॉप जो कि है 12,198। ये तो छोटे मोटे पास हैं, हम बड़े बड़े पास करके आ गए। 3:46 और हमने 178 किलोमीटर कर लिए थे। अभी यहाँ पर रुके थे लंच करने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था, केवल ब्रेकफास्ट करके निकले थे हम लोग वहाँ से, मतलब वहाँ से भी कहाँ, संगम पे जो ब्रेकफास्ट किया था वो था। अब यहाँ से नॉन स्टॉप कारगिल टेकने का प्लान है, देखते हैं कितनी देर में हम लोग कर पाते हैं। Enjoy the views, guys, enjoy the views. सामने वो वाला पहाड़ देख रहे हो यार, उस पहाड़ के ऊपर जो बादलों ने डेरा डाला हुआ है ना, कितना शानदार लग रहा है। वाह, कितना प्यारा लग रहा है, पहाड़, बादल, हरियाली, अच्छी रोड, अच्छी बाइक, और अच्छा मैं, वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वाह। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जैसे ही हम लोग खाना खा के निकले हैं वहाँ से, उसके बाद से रोड काफ़ी शानदार आ गई है, मतलब रोड में घुमाव भी अच्छे हैं, बट रोड की कंडीशन भी अच्छी है, तो बाइक चलाने में मज़े आ रहे हैं। आप भी थोड़ा सा रास्ता एंजॉय करो ना, क्योंकि ब्लॉग में सब हर कोई यही दिखाता है कि बस यहाँ गए वहाँ गए, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको रास्ता देखने की इच्छा करती होगी कि भाई पहाड़ी रास्ता कैसा होता है और कैसे उस पर देखो बाइक चलती है। फील करो, फील फील, देखो 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 देखो, फील करो। बीआरओ की खासियत यार, उन्होंने पूरी रोड के ऊपर अच्छे खासे साइन बोर्ड्स लगा रखे हैं, तो सब कुछ इजीली आपको पता लग जाता है। और कहीं पे भी जो नेशनल हाईवेज हैं उन पे इतना अच्छा जो मार्किंग और इंडिकेशन है वो नहीं होता। कारगिल अभी 22 किलोमीटर और है मात्र।
अब यार रास्ते में इतने सारे लोग आपको अगर दुआएं देने के लिए यहाँ पे हैं, मतलब आप जैसे जैसे जाते हो लोग बच्चे बच्चों में बड़ा क्रेज है यहाँ बाइक्स को लेके, तो वो आपको गुड लक देते हैं, थम्स अप देते हैं, हाय करते हैं, बड़ा ही प्यारा लगता है यार। तो इतनी बेस्ट विशेज मिलती है इस रास्ते के लिए, क्योंकि रास्ता खतरनाक तो है ही, तो इसमें सब लोगों की प्रार्थनाएं दुआएं सब चाहिए होती है। वाह कितनी अच्छी मस्जिद आई है यार, कितना अच्छी बनी हुई है, लिटरली बहुत अच्छी शानदार। तो हम लोग एंटर हो चुके हैं कारगिल के अंदर, आप राइट में देख सकते हैं ये पूरा कारगिल टाउन दिख रहा है। यहाँ ऑनलाइन रूम्स देखने की कोशिश करी थी लेकिन ऑनलाइन सारे रूम्स फिल बता रहे हैं, अब ऑफलाइन जाके देखते हैं कहीं रूम मिलता है। तो टाउन तो ठीक ठाक लग रहा है, मतलब इतना कंजेस्टेड नहीं है, खुला खुला टाउन है, देखते हैं किस टाइप के रूम मिलते हैं यहाँ पे। तो ये है कारगिल का एक शाम का नज़ारा, मतलब अभी मौसम बड़ा ही शानदार हो रखा है, मतलब बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और वहाँ देख सकते हैं पूरे बादल वगैरह हो रखे हैं, बहुत तेज़ हवाएं चल रही है इस समय, पूरे जो इसके चद्दर हैं यही बज रहे हैं होटल के, ये देखो कितनी तेज वो चल रही है। तो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ कारगिल के अंदर, तो आज कुछ खास था नहीं दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टाटा बाय बाय।